केंद्रीय ग्रामीण मंत्री को हम मिले, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दी जा रही है उसमें 60-40 का तो रेशियो है। केंद्र सरकार 60% देती है और स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है। उसमें नवीन बाबू ने ये किए हैं कि उसमें उनकी पिताजी के नाम पे जो बिजू ग्रामीण बिजू पक्का घर बनाए हैं उसमें 3 बजट हो गया, एक भी पैसा बिजू पक्का घर में दे नहीं, मगर प्रधानमंत्री के आवास योजना में इनकी लोग लगाएंगे और लगा भी दिए हैं और ऐसी ऑर्डर भी कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में बिजू की लोगो लगेगा। ऐसी ऑफिसर लोग को ऑर्डर देके पूरा ऑर्डर भी ले लिए हैं। इस वजह से हमने बोले कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो पंचायत कर रहे हैं 60% फेडरल सिस्टम में आ रहे हैं, उसमें नवीन बाबू की कि उनकी पिता की फ़ोटो लगाना का नहीं चाहिए, मगर नवीन बाबू ने अपनी प्रचार खुद की प्रचार के लिए ये उनकी पिताजी की फ़ोटो वहीं लगा रहे हैं। हमारे लिखन होती है उनका लोगो लगता है, लोगो लगे हुए हैं और इरेगुलरिटीज भी है जो देने में जिन लोग गरीब है उनको नहीं दे रहे हैं, जिन लोग उनकी पार्टी की काम है इन लोगों को दिया जा रहा है। कोई अगर पाया भी है दूसरा लोग, अगर इनको मालूम पड़ रहा है कि वो भाजपा से ताल्लुकात रखता है तो इन लोगों के नाम को लिस्ट हटाए दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इन लोग बेनामी, जिन लोग एलिजिबल नहीं है इन लोग की तालिका को इसमें भर्ती करके इनको घर देने का व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम विरोध करने के लिए आए हुए हैं।